सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चंस जो आए हैं, हम उसके हेल्प से एस्केप वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो वहीं पर हमारे पास में 13th अप्रैल 2023 जेई मेन फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है प्लैनेट हैविंग मास 9m एंड द रेडियस 4r, वेयर m एंड r आर द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ रेस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, हैज एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हमारे पास में अर्थ का एस्केप वेलोसिटी गिवन है 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी की बात करें, मान लेते हैं कि किसी प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी है v डैश। ओके, और हम यहाँ पर 2g और उसका मास कितना है 9m, कितना है 9m डिवाइडेड बाय रेडियस, उसका रेडियस कितना है 4r, रेडियस कितना है 4r। अगर हम इस 9 और 4 को बाहर निकालेंगे तो 3/2 और ब्रैकेट में रूट में हमको मिलेगा 2g इंटू m डिवाइडेड बाय r, और इसका वैल्यू अगर हम देखें तो इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है 11.2। इस 10⁻³ को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमको 1 किलोमीटर मिलेगा, मतलब इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो उस प्लैनेट पे इसके वेलोसिटी हमको मिलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33.2 डिवाइडेड बाय 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 0.8 किलोमीटर पर आर। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओ, इट इज़ नॉट किलोमीटर पर आर, इट इज़ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होने के चांस है, आपको किलोमीटर पर सेकंड में ही आंसर मिलेगा। थैंक यू।